बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम सब माँ बेटा और बेटी मिल के बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी और साथ में तंदूरी रोटी। नाम दोनों बड़े जुड़ गए, चिकन मलाई बोटी और साथ में तंदूरी रोटी। और मोहम्मद सुबान जो है ना, मैंने बोला था कि ये जो है मेरी हेल्प किया करेगा, अभी ये लकड़ियाँ लेकर आया और आग जलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे जलेगी नहीं। तो अभी ये आग जलाएगा, तब तक मैं अपने जो सारे हैं मिसाला जात वो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से मिसाला जात जो हैं वो मैंने तैयार कर ली हैं। तो अभी हम इसको जो है चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट इसके साथ दूसरे के, और साथ में इसके ऊपर हम डाल देंगे मिसाले। तो चिकन जो है वो मैंने तारिक साहब से बोला था कि आप जो है बोनलेस चिकन लेकर आना, क्योंकि चिकन मलाई बोटी जो है वो बोनलेस चिकन से ज़्यादा बनती है, सही बनती है, लेकिन हमारे जो उधर शॉप वाले उन्होंने साथ में जो है हड्डियाँ भी दे दी है थोड़ी बहुत। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम जो है वो इसे चल जाएगा। इसमें वैसे ज़्यादा बोनलेस ही है, थोड़ी बहुत हड्डी हैं। तो ये है मिसाले जात, इसमें मैंने जो है सब्ज़ मिर्चें इनको अच्छे से पीस लिए, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और साथ में है ज़ीरा, इसको मैंने कूट लिया था। तो अभी इन सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं चिकन के ऊपर। और यहाँ पर हमारे पास है बाकी के मिसाला जात जो हमने इसमें डालनी है। इसमें है जी ये काली मिर्च, वैसे तो इसमें सफ़ेद मिर्च डालते हैं, लेकिन मेरे पास सफ़ेद नहीं थी तो काली है, मैंने वही डाल दिए। तो ये है हमारे पास जी नमक, तो नमक जो है वो मैंने हसबे ज़रूरत डाला है, जितने हमें ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारे पास खुश्क धनिया, ये भी डाल लेते हैं अच्छे से। और अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से, और ताकि जो है सारा मसाला वो चिकन में जज़ब हो जाए। और फिर इसको जो है कुछ देर के लिए रख देंगे, तकरीबन आधा घंटा। वैसे तो ये काफ़ी टाइम, अगर बंदा रात को भी बना के रख सकता है, लेकिन क्या कि हमारे पास टाइम। तो अभी जी मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया, और अभी हम इसको जो है रख देंगे ऊपर से कवर करके। मैं तो इसको बस 10 से 15 मिनट ही रखूँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो जब तक ये मैरिनेट होता है, हम तब तक आग जला लेते हैं, और साथ में मैं गूंद लेती हूँ आटा। इसको ऊपर से ढक देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कवे जो है वो उठा के ले जाए। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह आग हमारी जो है वो जल चुकी है, और आटा जो है वो मैं ले आई हूँ, और कढ़ाई को रख देते हैं चूल्हे पर। और अभी हम इसमें डाल देते हैं घी, क्योंकि इसको ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा बच्चा। तो मोहम्मद सुबान छोरी लेकर गया था, तो उसने मुझे दी है वापस के मामा, अभी मैं नहीं उठाऊंगा वो। तो यहाँ पे घी जो है इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं जी। माशाल्लाह से हमारा जो घी है ना वो हो चुका है गर्म। तो अभी हम इसमें डाल देंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए, ज़्यादा देर मैंने इसको नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, फिर अंधेरा हो जाता है इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हमने इसको अच्छे से जो है कढ़ाई में फ्राई कर लेना है घी में। तो अभी ये अच्छे से गर्म नहीं हुआ, जैसे ये गर्म होगा ना तो फिर फ्राई होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये फ्राई होता है तो मैं साथ में गूंद लेती हूँ आटा। तो आटे में नमक आज मैं शुरू में ही डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ मोहम्मद सुबह नाराज़ हो गए?
तो यहाँ पे जी चिकन हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे ये दही। बिस्मिल्लाह। अभी बाकी का जो चिकन है ना वो इसी हमारी दही में पक के तैयार होगा, क्योंकि ये अभी पानी छोड़ गई है। अभी हम इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश करेंगे, तब तक हमारा चिकन जो है वो भी गल जाएगा। फजर ने अपना होमवर्क कर लिया है और अभी ये जो है सारे सामान अंदर रखने की कोशिश कर रही है आस्ता आस्ता ना। अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। आटा मैंने गूंद लिया है, तो जब तक ये अच्छे से इसका पानी खुश्क होता है हम तब तक अपनी तंदूरी जला लेते हैं। माशाल्लाह से जी तंदूरी हमारी जल चुकी है और अभी जाके हम अपनी हांडी की भी सुर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह हमारा जो दही का पानी है वो अच्छे से हो गया खुश्क, और अभी हम इसमें डाल देंगे ये करीम जो हमने बाज़ार से लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे और भी ज़बरदस्त इसका जो है टेस्ट आएगा। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि हमने इसमें ना काली मिर्च डाली, अगर वाइट मिर्च डालते ना तो फिर ये वाइट वाइट ही रहता। हाँ जी, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है जी। मोहम्मद सुबान और फजर से इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने ना इनको बोटियाँ जो है खा रहे हैं। तो माशाल्लाह से अभी सूरज जो है वो भी गरूब हो चुका है, बिल्कुल शाम हो गई है। हाँ जी, अभी जी तंदूरी जल गई है तो मैं लगा रही हूँ रोटियाँ। नहीं, अभी आप छोटे हो जाओ, बड़ी हो जाओगे तो फिर करो। जी तू ना करे फिर। मगरिब के अज़ान का टाइम हो गया, अब मैंने भी नमाज पढ़ना है। ठीक नमाज़
ना ना गिर जैसी फजर तो माशाल्लाह से जी रोटियां हमारी जो हैं वो लग चुकी हैं और यहाँ पे हम जल्दी से अपनी हांडी को उतार लेते हैं नीचे कढ़ाई को, ज़्यादा टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मलाई बूटी जो है वो हो चुकी है तैयार सफ़ेद सफ़ेद रंग की। अभी इसको थोड़ी देर के लिए ना कवर नहीं करते हैं क्योंकि अगर कवर कर दिया तो फिर इसमें काफ़ी सारी हीट होगी जिसकी वजह से ये बिल्कुल ऐसे फिर सिकुड़ जाएगी। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो हो चुका है तैयार और मोहम्मद सुबान की शरारतें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, तो रोटी भी आ गई तो अभी हम सबको देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डॉगी को हमने दो रोटियां जो है वो पहले ऑलरेडी डाल दी। आ जाओ मोहम्मद सुबान फजर ऊपर आ जाओ। चार पाई पे आज शाम हो गई अभी। तो अभी जी हम लोग खाते हैं रोटी और आज इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।